ब्लैक बक के लिए यहाँ पे ये जगह बहुत फेमस है। इसका नाम है काचर, केसर है ये। इसके बन गया हमारा यहाँ पे दाल बाटी और चूरमा। मैं और कुछ तो मिला नहीं, पर बेर मिल गए यहाँ के। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 29 सितंबर और आज सुबह 6 बजे से मेरी शुरुआत हो रही है यहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट से, सुजानगढ़ से। और ये लोग अभी अभी चले गए हैं सफारी के लिए। तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुली आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त है। तो मेरे आसपास का माहौल कुछ इस तरह से है, आगे से कुत्ते दौड़ के आ रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ। इनके चक्कर में तो मैं अकेले अकेले घूमने नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगती है। तो नीचे तो कुत्तों की डर थी, तो मैं सीधा ऊपर छत में ही आ गई हूँ। यहाँ किसी का डर नहीं है मुझे, बंदर ना बुंदर। अब मैं आपको आसपास का एरिया दिखाती हूँ यहाँ से। यहाँ पे सुबह सुबह की शांति है एकदम, अच्छा है यहाँ पे भी, पता है। तो मेरे चारों तरफ का वातावरण तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सुबह सुबह का माहौल इतना शांत है यहाँ पे। बस ना मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, कबूतरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, लोगों के झाड़ू मारने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और यहाँ पे जो स्टे हैं, यहाँ पे जो घर हैं, उन पे ना सीमेंट वगैरह नहीं हो रखा जैसे हम लोग की तरह होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल सा जैसे वो मूवी में दिखाते थे ना, अब मुझे सेम वैसा ही फील आ रहा है यहाँ पे। मेरे आगे से अभी दो मोर गए, पर मैंने यहाँ पे सूर्योदय हो रहा था तो मैंने टाइम लैप्स लगाया था। आज मैंने सूर्योदय भी देख लिया राजस्थान का पहली सुबह। हो तेरो रूप जस चांद चकोरा, सब कनीत के बांध बिजोरा। और पता क्या, पहले तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो ठंडा ठंडा लग रहा था, और उसके बाद जैसे ही सूर्योदय होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके ऊपर, तो पूरा फील हुआ वो गर्मी। तो अब गर्मी झेली ना जाएगी, तो इसलिए अब हम चलते हैं नीचे और पियेंगे सुबह सुबह की चाय। तो कुछ ऐसा है हमारा स्टे, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ये वाला फ्लोर है जिसमें हमारे गेस्ट रुके हुए हैं, नीचे वाले में हम रुके हुए हैं, एकदम नीट एंड क्लीन। तो सुबह सुबह लोग अपनी गाय बकरियां जो होती हैं उनको खेतों में चराने के लिए ले जाते हैं। देखो, तो मेरे ठीक सामने आपको जो रोड दिख रही है ना, ये है जेबी रोड, जिसे कि जयपुर टू बीकानेर रोड कहा जाता है। देखो वो घर के टॉप में है मोर। तो ये लोग भी पहुंच गए हैं और नाश्ता करके जा रहे हैं गौशाला की तरफ को गाय देखने। बहुत सारे बर्ड्स हैं वहाँ पे। ओके, वल्चर्स हैं। वल्चर्स नहीं है, और रैप्टर्स हैं। रैप्टर्स, रैप्टर्स वो बर्ड होती है जो अपने से छोटी बर्ड्स को खाती है, उन पे डिपेंडेंट रहती है, है ना। अगर छोटी बर्ड्स को कोई खाने वाला नहीं होगा तो उनकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी। तो ये लोग तो नाश्ता करके चले गए हैं, मेरा नाश्ता यहाँ पे हो रहा है, दही पराठा और चटनी। तो अभी यहाँ स्टे पे तो मैं और भैया ही हैं जो खाना बनाते हैं और यहाँ पे देख रेख करते हैं, और जिनका ये स्टे है उनके छोटे भाई हैं यहाँ पे। और पता क्या, हम लोग के यहाँ देखने को मिलते हैं ना ऐसे पुरानी टैक्सियाँ, यहाँ भी ये वाली टैक्सियाँ चलती है। फिर मैं भैया के साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ, जो भैया यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं और देखते हैं। तो आज भैया हमारे लोकल डिश बनाने वाले हैं। आपने क्या नाम बोला इसका? इसका नाम है काचर। काचर, काकड़ी का छोटा रूप होता है, काचर बोलते हैं। खट्टा मीठा होता है। अच्छा, सब्जी बनती है इसकी? इसके साथ गुआर की फली और ये दोनों मिक्स होके सब्जी अच्छी बनती है। फिर बाजरी की रोटी, इसका खाना अच्छा रहता है, देसी खाना है हमारे राजस्थान का। तो आज हम राजस्थान का ये लोकल डिश खाने वाले हैं सबके सब। काचर फली की सब्जी, बाजरी का रोटला, गुड़, दही की लस्सी, गट्टे की सब्जी। हाँ, गट्टे की सब्जी तो हमारे यहाँ पे, तो बेसन की सब्जी ना। हाँ, बेसन की। एक भैया और है यहाँ पे। कल जो चटनी खाई थी वो किसकी चटनी थी? वो लहसुन की थी। लहसुन की और लाल मिर्च की। लाल मिर्च। दिन के 4 बज गए और हम लोग निकल रहे हैं कहाँ? मेरे घर में। कहाँ? कौन सी जगह? गौशाला। क्या देखने? ईगल की फोटोग्राफी करने। वहाँ पे एक बड़े बड़े लिजार्ड होते हैं। लिजार्ड मतलब जो छिपकली जमीन के अंदर रहते हैं, तो ज़्यादा गर्मी रेगिस्तान राजस्थान में ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर वो बाहर निकलते हैं, तो उनको उठाने के लिए ईगल्स आती हैं वहाँ पे। तो उनके एक्शन फोटोग्राफी के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी मेरे साथ मेरे 4-5-6 सहयोगी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जो कि पूना मुंबई गोवा से हैं। चलिए, लिए चलता हूँ उनके साथ आपको गौशाला की तरफ। एक गाड़ी मैं चला रहा हूँ आज, पूना मेरे साथ आएगी। तो गाड़ी तो ऐसे हो रही है जैसे भट्टी यही चल रही होगी। गाड़ी वहाँ रेडी है, एक गाड़ी हमारी रेडी होगी। कैसा लग रहा है हमें? बहुत अच्छा एक्साइटमेंट। सुबह सुबह किल देख के आ रहे हैं, एकदम लाइव शो। तो अभी और देखने का मन है, देखते क्या क्या मिलता है अभी। मेरा आज पहली होगी
क्योंकि कल भी मैं रेस्ट पे थी, आज भी सुबह रेस्ट पे थी, अब जाके मैं जा रही हूँ सबके साथ। ये मेरी ट्रेन की बोर्डिंग पे भी पार है। हाँ जल्दी कर लो रोहित, हम मर रहे हैं यहाँ पे। नहीं उबल रहे हैं, मर नहीं रहे, उबल रहे हैं। अंडे उबल गए, अंडे अंडे तैयार हो गए, अभी चार अंडे उबल गए अंदर ही अंदर। और हमारे गाड़ी के चालक है आज मिस्टर रोहित नयाल। रोहित नयाल हिमालयाज में ड्राइव करते थे, आज चला रहे हैं रेगिस्तान में, राजस्थान में, रतनगढ़ की तरफ, सुजानगढ़ की तरफ, सॉरी माफ कीजिए। और आज हम इनको सफारी पे लेके जा रहे हैं, महिलाओं को, महिला फोटोग्राफर्स, महिलाओं को, देख रहे पूना से और दिल्ली से। तो इनको आज हम यहाँ पे ईगल्स की फोटोग्राफी कराने वाले हैं, राजस्थान की सुलगती हुई गर्मी में। तो चलिए लिए चलते हैं आपको सीधा गौशाला की तरफ। तो तालचापर सेंचुरी को छोड़ के हम निकल पड़े थे गौशाला की ओर, जहाँ पे हमको एक किल देखने के लिए मिला। कौन सा किल था ये? और यहाँ पे देखिए लेगर फाल्कन ने किल किया हुआ है, लेगर फाल्कन ऊपर खा रहा है लिजार्ड को, और हम यहाँ से फोटो खींच रहे हैं। मैडम ने बहुत अच्छी फोटो खींची। तो हम लोग अभी इधर जंगल में आ गए हैं। जंगल क्या है, तो मैदान जैसा ही है। और यहाँ पे है काले हिरण, जो कि ब्लैक बग जिसे बोला जाता है। ब्लैक बग के लिए यहाँ पे ये जगह बहुत फेमस है, क्योंकि ये यहीं मिलते हैं। चलो फिर चलते हैं, आपको ब्लैक बग दिखाऊंगी। उनकी आवाज़ इतनी अजीब सी है ना, मुझे डर लग गई थी एक बार को कि ये हो क्या रहा है। और यहाँ पे इतनी आज़ादी है उन लोगों के लिए कि वो लोग ऐसे दौड़ने पर लगे हुए हैं, जैसे वृंदावन में दिखाते हैं ना, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, वैसे कुछ चल रहा है यहाँ पे। हमें और कुछ तो मिला नहीं, पर बेर मिल गए यहाँ के। ये खट्टे हैं, ये खट्टे हैं, ये देखो। धन्यवाद। ये वाले बेर हमारे यहाँ भी होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा, छोटे छोटे ना। तो गौशाला से आकर हम लोग निकल पड़े थे तालछापर सेंचुरी की तरफ। तो हम लोगों को लेट हो गई थी, इसलिए फटाफट हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। अब यहाँ पे सफारी के बदले ये वाली गाड़ियाँ चलने लगी है। तालछापर सेंचुरी में एंट्री ले ली है, हम लोग को सबसे पीछे वाली सीट मिली है। और ये देखो, ये इस गाड़ी को क्या बोलते हैं, गोल्फ कार्ट। अच्छा, गोल्फ कार्ट है इस गाड़ी का नाम। तो मैं आपको बता दूं कि तालछापर सेंचुरी जो है वो थार रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है। तालछापर में सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए लोग आते हैं वो आते हैं ब्लैक बग को। आप सामने देख सकते हैं, इतने सारे ब्लैक बग हैं यहाँ पे। आप दूर दूर तक जहाँ नज़र फैलाएंगे वहाँ सिर्फ आपको ब्लैक बग ही दिखाई देंगे, जो कि यहाँ का बहुत ही आकर्षक केंद्र है। ताल का मतलब होता है राजस्थानी शब्द में समतल भूमि, इसलिए इसे यहाँ तालछापर बोला जाता है। तो ज़्यादा शोरगुल करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं चुपचाप ही बैठी हुई थी सबके साथ। मैं भी इन जगह का आनंद लेने पे लगी हुई थी सबके सब। ब्लैक बग के अलावा यहाँ पे 40 से ज़्यादा भी जो हैं वो रैप्टर्स देखने को मिलते हैं, तो सब उन्हें खींचने में बिजी हो रहे थे और मैं भी उन्हें देखने में बिजी हो रही थी। आप चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ सिर्फ ब्लैक बग ही दिखाई दे रहा था, और इनके साथ मैं भी मज़े ले रही थी, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था यहाँ पे सफारी करने का तालछापर में। यहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड भी बनाए गए हैं, ताकि जो यहाँ के जानवर हैं वो ईजिली यहाँ पे पानी पी सके। फोटो से तो मन ही नहीं भरता किसी का, और मेरे को जो खुशी हो रही थी उस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मैं मतलब बर्डर्स के साथ जो ट्रैवल होता है ना वो बहुत मज़ेदार होता है। उनके साथ नया नया एक्सपीरियंस जानने को मिलता है, नई नई चीज़ें जानने को मिलती है, जो कि मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे हमको फिर से एक झुंड मिल गया था, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो ये ब्लैक बक हैं ये कूदेंगे, पर ये डर के मारे, शायद इनको कुछ दिख रहा था वहाँ पे, इसलिए ये लोग डर के मारे वापस उल्टे पैर हो जा रहे थे। देखो, बट फिर भी हमने कुछ शॉट लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी आपको हिरन दिख रहे हैं ना, ये काले हिरन और इनका पूरा झुंड, बच्चे भी देखो कैसे उछल रहे हैं। मतलब तो हम लोगों को ये उछलने वाले शॉट चाहिए होते हैं, तो जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनको उछलते वाले शॉटों को ट्राई कर रहे हैं उनको लेने के लिए। और जो काले वाले हिरन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, वो काले वाले हिरन है मेल, मतलब वो नर हिरन है, तो उनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। उनका एक अलग सा पूरा झुंड भी रहता है नर हिरन का। यहाँ पर से हम लोगों ने सफारी ख़त्म करी और हम चल दिए अपने सीधे बाहर गेट की तरफ। तो यहाँ पे ना हमारा जो गाड़ी थी वो तो स्टार्ट हो गई थी, पर मैम ना थोड़ा सा नीचे रह गई थी, तो इसलिए मैम चुप चुप के दौड़ रही थी ताकि पता ना चले, क्योंकि फिर फिर ऐसे ही हो जाता ना। तो फिर मैं भी मैम के साथ ऐसी मज़े ले रही थी, मैंने पूरी वीडियो ही बना दी थी। तो बाहर जाते जाते हमको यहाँ पे टॉनी ईगल दिखा, और उसके पीछे से भाई साहब जो सनसेट हो रहा था, हम उस सनसेट के शॉट के लिए इतना रुके थे, क्योंकि हमको सनसेट ईगल के पीछे चाहिए था, बट वो सर लोगों ने लिया है। मैंने तो इतना ही टाइम लैप्स लिया था सनसेट का, और हम लोग यहाँ से सीधा अपनी सफारी करते हुए सीधा वापस आ गए थे। हमको फिर से छोटे छोटे पॉन्ड दिखे, और पूरा जंगल जो था इतना सुंदर जंगल था, मुझे मतलब रहने का मन कर रहा था, पर क्या करूँ, मुझे फट्टू भी तो हूँ, मैं डर लगती है। तो ये देखो, ये है तालछापर सेंचुरी, और यहाँ पे ये भी चलते हैं, बग्गी वाला सीन भी है यहाँ पे। नाम क्या आपका? सोनराम। हाँ सोनराम, सोनराम।
तो यहाँ के बारे में बताना, यहाँ एंट्री फीस क्या है और कैसे आते हैं यहाँ पे? एंट्री फीस है 130 रुपया पर मेंबर के। हाँ, और गाड़ियाँ अभी खुली नहीं है, ऑनलाइन ये जाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन ही चलता है अब? ऑनलाइन, पहले यहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ चलती थी ना। अब ये वाली कब से चल रही है? ये तांगा चलता है यहाँ पे ये। और टाइमिंग क्या है यहाँ पे आने की? टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक, 6:30 से 8 बजे तक। उसके बाद शाम को 2 घंटे, 2 घंटे शाम को। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हमारे को 24 साल हो गए। 24 साल से इधर ही हो। अच्छा, कैसा लगता है? बढ़िया। नहीं, बढ़िया। नए नए लोग देखने को मिलते होंगे। और यहाँ पे कितने वो होंगे ये ब्लैक बक? लगभग बहुत ज्यादा, बहुत 4,000। मुझे लग ही रहा था हजारों में तो उनकी संख्याएं होंगी वहां पे। तो धन्यवाद ताऊ जी। लेडीज फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। ये मैम लोग तो बहुत फोटो लेते हैं। स्नेहा मैम हमारे साथ नई नई जुड़ी है, आप भी लेते फोटो? जी। इन्होंने मुझसे इतनी फोटो खिंचवाई है ना लद्दाख में, बहुत फोटो। तो आज हम लोगों ने इतने सारे ब्लैक बक देखे ना, कृष्ण मृग बोला जाता है जिन्हें, 4,000 के आसपास यहाँ पे है। मेल का जो है वो अलग ही एक डिपार्टमेंट था, वहाँ पे अलग ही कॉलोनी थी उनकी, और फीमेल मेल दोनों ही थे। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ब्लॉग में दिखाया था। वहाँ पे ज़्यादा शोरगुल नहीं कर सकते क्योंकि हलचल हो जाती है तो फिर वो भागने लगते हैं। बर्ड्स भी हैं वहाँ पे रहे, तो इस वजह से मैं वहाँ पे छुपी थी, सबके सब फोटो वगैरह लेने पे लगे हुए थे। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधा अपने स्टे पे। हमारी हैं ये 2 गाड़ियाँ। तो ये है ताल छापर का गेट, वो है मेन रोड, और यहाँ से एंट्री लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे 4,000 से ज़्यादा ये कृष्ण मृग हैं, बोले तो ब्लैक बग हैं यहाँ पे, काले हिरन, जो कि आपको सिर्फ ताल छापर में ही देखने को मिलते हैं। लोग ताल छापर में देखने के लिए ही लोग ताल छापर आते हैं इन्हें ही देखने के लिए। और वाइल्ड लाइफ का तो ये बहुत अच्छा वो है, मतलब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, बाकी टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे। ये वाला सीज़न यहाँ पे बहुत चलता है। तो मेरी लाइफ का तो ये पहला एक्सपीरियंस है। होप आपको, मतलब मेरे व्लॉग के थ्रू कुछ चीज़ें पता चली होगी, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का ये देखो, तो जिस गाड़ी में हम गए थे ना पहले, यहाँ पे सफारी वगैरह चलती थी, पर अब सफारी बंद हो गई है क्योंकि उसके शोरगुल से ना जो बर्ड्स वगैरह रहती हैं और ये ब्लैक बग रहते हैं वो भाग जाते हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पे क्या बोलते हैं उनको, गोल्फ कार्ट वाली गाड़ी स्टार्ट की है यहाँ पे, क्योंकि उससे शोरगुल भी नहीं होता है और आराम से हम लोग फोटो भी खींच लेते हैं। चलो चलो, पैदल पैदल हम लोग पहुँच गए रोड पे। ये है वो गाड़ी जो वहाँ अंदर चलती है। तो गणेश जी क्या बना रहे हो आज? आज सर दाल बाटी खिला रहे हैं आपको। तो आज गणेश जी हमारे लिए बना रहे हैं राजस्थान की फेमस डिश, जो कि है दाल बाटी चूरमा, है ना? हाँ। तो आप इसकी एक बार बता दो कैसे बनाते हो। ये देखो, मैं इसकी रेसिपी दिखा देता हूँ आपको। ये गोल गोल बनाया है ना, जो ये आटा ही है ना? हाँ सर, ये गेहूं का आटा है। गेहूं के आटे को इसके अंदर थोड़ा ये आटा मोटा होता है, ठीक है, और जैसे अपन रोटी बनाते हैं वो मतलब आटा झीणा होता है, पर ये हल्का सा मोटा होता है, ठीक है। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा, मीठा सोडा, हाँ, थोड़ा दूध और थोड़ा घी इसके अंदर देते हैं और थोड़ा नमक। फिर इस आटे को गूंद लेते हैं, गूंद के इसकी गोल बाटी बनाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर सर फिर इन्होंने देखो थोड़ा स्पेशल कुछ बनाया है जिससे आपको पता चल जाएगा। ये दूध का मावा है, मावा के अंदर पिस्ता है, ठीक है, और केसर है, और ये डाल के ये देखो मैं आपको बाटी के अंदर ये पिस्ता है, केसर है, ये इसके अंदर देते हैं फिर केसर, केसर पिस्ता और मावा, और फिर इसको ना पूरे उसको इसको बाटी के अंदर डाल के इसको फिर उबाल देते हैं ना गर्म पानी में, बॉईल करते हैं, बॉईल कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसको घी में फ्राई करेंगे, फ्राई करके फिर आधी का चूरमा बना लेंगे और आधी बाटी ऐसे दाल में खाएंगे। अच्छा, आधी का चूरमा बनाते हैं? आधी मतलब 10 जितना अपने को जरूरत है वो बाटी का मिक्सर में चूरमा बना लेंगे ये मिक्सर में। और अच्छा, चूरमा भी इसी का होता है?
ठीक ठीक बाकी बाटी है वो दाल के अंदर खाएंगे तोड़ के ये दाल बाटी चूरमा अपना राजस्थानी खाना। तो ये बन रहा है जी आज दाल बाटी चूरमा। अभी हम लोग आ गए वापस सफारी से, अभी बन रही है गर्मा गर्म चाय और भैया लेने गए हैं पकौड़ी चाय के साथ हम खाएंगे पकौड़े। चाय और दाल के पकौड़े आ गए हमारे यहाँ पे। टन टन मम्मी चाय बेटा ले लो बेटा चाय पी लो बेटा ये तो ये बन गया हमारा यहाँ पे दाल बाटी और चूरमा। ये दाल ये बाटी और ये पूरे प्योर घी में। ये प्योर देसी घी है, देसी घी प्योर। ये मैंने डाल दिया दाल दाल बाटी चूर्मा। और चूरमा ले लेंगे साइड में। चूरमा भी इसी को ना क्रश करके मिक्सी में तो ये बनाया। भर के घी है। मैंने तो कम घी निकाला है, सर भी कम घी वाले, इन्होंने निकाला भर भर के घी। सब आज लोकल फूड के मजे ले रहे हैं यहाँ पे। आप बोलो राजस्थान, आप जोर से बोलो। राजस्थान में आके दाल बाटी नहीं खाया तो क्या खा रहे हो? सही बात आज हम भी ट्राई कर लेंगे। लेकर नहीं गई था तो क्या तुम बस चिड़ियाओं की बात करो। तो अभी तो हम लोगों का डिनर हो गया है। आज हमने यहाँ का लोकल डिश ट्राई किया था दाल बाटी चूरमा, और वो सबको ही पसंद आया था। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम खाया था तो हमको ही बहुत पसंद आया था। आज बहुत ज़्यादा सफारी होगी हमारी। सफारी क्या थी आज, मतलब वही ब्लैक बक देखे थे बहुत सारे, और उसके बाद लोकल डिश खाने को मिली थी हमको दिन में भी और रात को भी, तो बहुत मज़ा आया। तो चलिए फिर ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। मिलते हैं आपको कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।